तो आप लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं, काफी अधिक पूछे जा रहे हैं ये कि सर इसरो की जो न्यू भर्ती है वो कब आएगी और आएगी तो कितने सीटों पे आएगी और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल से आज चर्चा करने वाला हूँ, है ना। तो ये RTI की रिप्लाई थे जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और बहुत ज़्यादा बिग भर्ती है और काफ़ी सीट जो है अभी वैकेंट है और इसरो में और सभी पोस्टों के लिए जो है अभी काफ़ी सीट पे जो है भर्ती प्रक्रियाएं आने वाली है। तो ये RTI के थ्रू से जो खुलासा हुआ था कि आपके जो है कितने सीट है इसरो में वैकेंट, तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 185 सीट जो है मैंने बताया। तो ये RTI के थ्रू जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से और अभी रिसेंट में जो सीट खाली है तकरीबन आपके 2000 से भी अधिक सीट जो है खाली है। कब है, कैसे है, कौन सा कैटेगरी में है, मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ और मैं ऑफिशियली दिखाने वाला हूँ और जो है कौन कौन सा यूनिट में है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रियाएं कब आएगी, कब कब फॉर्म भराएगा, सारा जो है अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। नहीं तो जो है आप जो है वंचित हो जाते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह जो है राज्यसभा के द्वारा बिल पारित किया गया था और उनमें जो है टोटल रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बाय गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के द्वारा जो 10 लाख भर्ती प्रक्रियाएं विभिन्न सेक्टर में जो दिए जा रहे हैं उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह 4/8/2022 को ही आंसर मिला था और जो है ये 2-4 मंथ पहले जो है इसका खुलासा हो गया था। तो काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई थी, है ना। तो ये आधिकारिक तौर पे है और जितने सीट वैकेंट है सारे का डिटेल मैं यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ जो है विभिन्न विभिन्न जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे के हैं, सारे का यहाँ डिटेल वाइज दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड ए में बांटा गया है, बी और BNG जी पहले यहाँ देख सकते हैं कि जी में बांटा गया, ए है ए का जी, उसके बाद फिर बी का जी और जो ग्रेड बी है बी का फिर NG और उसके बाद सी जो है सी का NG और यहाँ जो है टोटल जितने भी सीट हैं सारे को मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले जैसे आप 66 नंबर पे आएंगे तो यहाँ आपको जो है इसरो से रिलेटेड मिल जाएगा यानी अंतरिक्ष विभाग के जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। तो यहाँ आप जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो 66 नंबर है स्पेस डिपार्टमेंट का यहाँ आप देख सकते हैं यह है। तो ये यहाँ जो है ग्रेड ए का है, उसके बाद फिर बी का है, फिर BG का है, उसके बाद फिर जो है सी का है, CG का है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंट पोस्ट है यानी जो 10 लाख भर्ती में अभी जो यहाँ स्पेस के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया जितना लेना है, यहाँ आप सीट देख सकते हैं वैकेंट सीट यहाँ जो है 21 जो है 2106 है। वो काफ़ी आप लोगों का गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। और आप कहेंगे कि सर आपने तो जब RTI के थ्रू बताया था तो आपने जो है 100-100 के आसपास सीट बताया था, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि 185 सीट आपने बताया था और यहाँ जो है 2000 के आस 2000 से प्लस जो है भर्ती है। तो ये बाकी का जो है कौन सा यूनिट है, आप लोगों का सवाल जायज रहेगा ये जानना कि जैसे RTI के थ्रू 185 बताया था और अभी आप बता रहे हैं कि 2000 प्लस जो है सीट खाली है। तो इसरो के बहुत सारे यूनिट है, यहाँ आप देख सकते हैं VSSC, IPRC, NRC, फिर जो है हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूनिट है। अभी बहुत लोगों को बहुत सारे यूनिट के बारे में पता नहीं है और कब वहाँ भर्ती प्रक्रियाएं आती है और चली भी जाती है और जिसको जानकारी होता है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है क्योंकि वहाँ अप्लाई जो है फॉर्म कम होता है प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण। तो ये जो 2000 यानी 2100 के आसपास जो भर्ती है तो ये सारे यूनिट का मिला के है और सारे जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, तकनीशियन भी हो गया, कुक हो गया, फायरमैन हो गया, हिंदी टाइपिस्ट हो गया, सारे जितने का है जो भी जितने भी पोस्ट इसरो में आते हैं सारे को मिलाकर जो है 2000 के आसपास यानी 2100 के आसपास जो है भर्ती प्रक्रियाएं हैं चालू होने वाली है ना। और आप यहाँ ध्यान में रखें जो सबसे ज्यादा भर्ती आने वाली है इसरो में वो जो है टैग बी के यानी जो तकनीशियन बी के हैं वो सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। तो
तो अब बाकी यूनिटों का पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो आप इतने सारे यूनिट हैं, आप ऑफिशियल साइट को विजिट तो कर नहीं सकते क्योंकि आप लोग को स्टडी भी करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो आप घंटे का आइकॉन को अगर दबा देते हैं तो आपको कोई भी यूनिट है, या अभी जैसे आपको एक पता होगा यूनिट है पीआरएल है, डेकू है, फिर जो है एनआरएल है, बहुत सारे को जो है इन सब यूनिटों का जो इसरो का एक हिस्सा है, इसरो का यूनिट है, इनको इनके बारे में पता नहीं है और वहाँ से भर्ती आती है। मैं ऑफिशियली भी आपको दिखा दूंगा कि वहाँ से भर्ती आती है, टेक्नीशियन बी में भी, साइंटिस्ट इंजीनियर में भी, कुक में भी, फायरमैन भी, टेक्निकल असिस्टेंट में भी आती है। तो आप लोगों को जानकारी नहीं होने, अभी कुछ देर पहले आईपीआरसी में भर्ती आया था तो बहुत लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर इसमें तो इसका बारे में इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि कब भर्ती आई थी। तो ये जो 2100 भर्ती आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है, जो तकरीबन आपको जो है 2-3 मंथ के अंदर जो है इसकी इसका जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग यूनिट का जो है अलग अलग टाइम पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो ताकि जो है आपको अपडेट जो है सही टाइम पे मिल जाए। और ये जहाँ 21,000 सॉरी 2106 भर्ती है, इससे आप जो है वंचित ना रहें। तो वीडियो को शेयर करें और जैसे ही इसके रिलेटेड जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आउट होता है तो सबसे पहले जो है चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।